I close my eyes and I see myself. I feel the javelin in my hands. I take a deep breath and I throw. I throw really, really far. It lands on 32 meters mark, and then the gold medal is being put around my neck. I have won and I have done it. Chal Abhishek, maar dhang se kya kar raha? ये बात है 10 दिसंबर 2016 की। 9:15 या 9:30 का टाइम हो गया ऐसे रात के। हार्डली एक मतलब आधा पौना घंटा ही हुआ था उसको घर से गए हुए। जब हम आ रहे थे तो क्या हुआ कि जो मेरा फ्रेंड था उसने नई नई बाइक चलानी सीखी थी तो उसने कहा कि प्लीज़ कैन यू गिव मी, मैं ट्राई करता हूँ चलाने का। तो क्या हुआ, हमारी साइड से ओवर स्पीडिंग करके एक गाड़ी बहुत स्पीड में हमारे को मतलब कि बहुत क्लोज से गई हमारे, तो हैंडल डिसबैलेंस हो गया, उससे बाइक भी डिसबैलेंस हो गई, हैंडल भी शेक हो गई पूरा, और जिसकी वजह से वी वेंट इनटू द डिवाइडर। उसके बाद मेरा मेमोरी लॉस हो गया था, मुझे नहीं पता मेरे को मैं कहाँ था क्या था। मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया, हाँ जी कौन? मैडम आप अभिषेक चमोली के घर से बात कर रहे हैं? मैम बेसिकली उसका ना सीमन ब्लॉक के रोड पे यहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। मैंने छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट होगा कि आ रहा हो बाइक वगैरह से चोट लगी होगी। भाग के मतलब बाहर की तरफ चली गई, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। वहाँ जब मैं गई तो मुझे कुछ वहाँ रोड पे सिर्फ वो दिखा, मुझे अभी की चप्पल दिखी वहाँ पे और ब्लड दिखा। मेरे घर वालों ने रात को देखा था आई थिंक 1 या 2 बजे कि दो लड़कों को स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं सामने वाले हॉस्पिटल में। तब तक किसी को कोई बैकग्राउंड नहीं था, हमें नहीं पता था कि ये मेरा ही बेस्ट फ्रेंड है उस स्ट्रेचर पे। कैसा विविड पिक्चर है कि व्हेन आई लुक्ड एट हिम देयर वाज नो पार्ट ऑफ हिज बॉडी दैट वाज नॉट कवर्ड इन बैंडेजेस। जब इसको इंजेक्शन वगैरह दिया थोड़ा पेन में रिलीफ आया, तो उसके बाद इसने हमसे बोलना चालू करा कि मेरे पैर में सेंसेशन नहीं आ रही है, मेरे को फील नहीं हो रहा। उसके बाद फिर हमने यहाँ से रेफ़र करा के इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर में ले गए इसको, तो वहाँ पे फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। जब अभिषेक मेरे पास आए थे मुझे मिले थे तो उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी T6 लेवल पे, दैट इज थोरैसिक 6 लेवल पे। तो इसका जो चेस्ट से नीचे का पूरा पोर्शन वो बिल्कुल सुन हो गया और वो काम करना उसने बंद कर दिया। ये तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कि एक यंग गाय कि अब आपको चलना नहीं सकते, आपको ये नहीं सकते। रिहेबिलिटेशन का जो अगर हम हिंदी मीनिंग करें तो दैट इज पुनर्वास, तो मीन्स हमें पेशेंट को फिर से नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर जाना है, तो उसके लिए उनका मेंटल जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इट वाज लाइक अ मिलिट्री कैंप फॉर अस। ही वाज ट्रेन्ड ऑन बेड मोबिलिटी, ही वाज ट्रेन्ड ऑन अपर लिम स्ट्रेंथ एंड वी नीड टू मेंटेन द रेंज ऑफ मोशन फॉर हिज लोअर लिम्स, देन वी ट्रेन्ड हिम ऑन व्हीलचेयर मोबिलाइजेशन। स्ट्रेचिंग करवाते थे, बोलते थे मूवमेंट्स करो, पर मैं तो मेरी कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी, मैं कर नहीं पाता था, मैं कोशिश करता था, वो हिलाते रहते थे। द रिहैब प्रोसेस स्टार्ट्स एक्चुअली इमीडिएटली आफ्टर इंजरी ऑन डे 1 ऑफ द इंजरी, बिकॉज ही हैज बीन लाइंग डाउन फॉर सम टाइम, सो वी नीड टू एक्चुअली एक्लिमेटाइज हिम इन अ स्टैंडिंग पोजीशन। इट इज डन यूजिंग अ टिल्ट टेबल। लेग्स पे वेट फील होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन मूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है, और क्या होता है धीरे धीरे टिल्ट टेबल का धीरे धीरे एंगल वो बढ़ाता था। धीरे धीरे जैसे बास्केटबॉल खेल खेल के मेरे अंदर कब आई गॉट माई नॉर्मल सी बैक, और उसके बाद जब मैं और मेरी व्हील चेयर ट्रेनिंग होती थी
एक ट्रेनिंग होती थी zigzag करके, उसके बाद जो zigzag करके लाइफ में भी फिर मैं व्हीलचेयर के साथ आगे बढ़ता रहा। अभिषेक का नेचर इतना अच्छा है और इसके फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प की है मेरी। वो हमेशा कहते थे आंटी आप हॉस्पिटल को मतलब हम इसको देखेंगे हॉस्पिटल में, आप परेशान मत हो, आप घर संभालो, आप सृष्टि को देखो। उस टाइम पे मेरे को ग्राउंड फ्लोर चाहिए था, मैंने मेरा एक फ्रेंड था तेज करण, मैंने उसको बोला। मैंने फिर नीचे जनकपुरी में 8 है फ्लैट है, तो फिर इसको फिर वहाँ पर हमने शिफ्ट किया। जब मैं हॉस्पिटल डिस्चार्ज हुआ, मेरे घर पहले ही जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे एकदम बेड वेड तैयार है, मेरे शूज़ एक अलाइन जगह पे लगे हुए हैं उस पर, और मेरे कपड़े वपड़े सब रखे हैं, पूरा सेट करके रखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था वेलकम होम। एट अ टाइम वी यूज टू टेक अभिषेक ऑन ट्रैक्स एज वेल विद अस बेसिकली, ताकि वो लेफ्ट आउट फील ना करे। कभी राजस्थान ले गए, कभी उदयपुर ले गए, कभी शिमला ले गए, खुद ही अपना बस मेरे को पैक करवाते थे बैग, दीपा को बोलते थे दीपा चलो। सो वी यूज टू टेक हिम विद अस, चाहे उसको उठा के ले जाना हो, चाहे पीठ पे लेके जाना हो। बट इट वॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हेन ही एक्चुअली फाउंड अ पर्पस, एंड वही होता है ना कि सपने पूरे करने के लिए आपको उनको देखना ज़रूरी है। ऐसे ही सर्च कर रहा था मैं कि और मैं क्या कर सकता हूँ, प्रेरणा सर्च इंडिया में क्या है, पैरा स्पोर्ट में कैसे होता है, क्या होता है, तो दीपा मलिक मैम की वीडियो आ गई थी, वहाँ मैंने उनको देखा थ्रो करते हुए, तो वहाँ से मेरे को पता था ये भी एक चीज़ होती है। अभिषेक ने मुझसे डिस्कस किया कि कोई दीपा मैम है, उनका इंटरव्यू मैंने देखा तो उन्होंने बताया, तो इसमें तो बहुत कुछ है करने के लिए। स्टेडियम में मैंने जैसे एंटर करा, मैंने देखा भाई यहाँ तो एकदम चल रहा है, एथलेटिक्स चल रहा है फुल एकदम, कोई लॉन्ग जंप कर रहा है, कोई हाई जंप कर रहा है, समवन इज रनिंग। उसके बाद मेरी नज़र पड़ती कि भाई मैं देख रहा हूँ एक बंदा जंप कर रहा है, उसके पैर नहीं है, और फिर मेरे को और कॉन्फिडेंस आया भाई कि ये दिस इज रियल। अभिषेक एक्चुअली मेरे पास 2020 में आया था। जैसे हमने फर्स्ट टाइम उसको देखा तो हमें लगा कि ये बच्चा जो है यंग है और इतनी छोटी एज में इसको ये प्रॉब्लम है, और तो हमें अंदर से ऐसा लगे कि जैसे हमारे बच्चे की तरह है ये, तो हमने उस टाइम ये सोचा कि इसको कराएंगे हम। तो मैंने इसको उसी समय बोला, मैंने कहा बेटा तू बन गया चैंपियन, अब आ जा प्रैक्टिस। अभिषेक चमोली जब आया था हमारे पास तो उसके अंदर तो बिल्कुल पावर नहीं थी, तो धीरे धीरे उसने इम्प्रूव किया, वेट ट्रेनिंग बढ़ाई। तो शुरू में मैं चेयर से नहीं फेंकता था, पहले मैं अपनी व्हील चेयर से ही फेंकता था, सर ने कहा पहले तो उस पर फेमिलियर हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद कर। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि इसके हाथ लंबे हैं, तो हाथ लंबे होने के वजह से मैंने दिमाग में ये सोच लिया था कि इसी हाथ को ही यूज करेंगे और इसके शोल्डर को यूज करेंगे जितना हो सकता है। फिर जिस दिन वो मेरी चेयर बन के आई थी, उस दिन मेरे को लगा था भाई कि अब इट्स गेटिंग सीरियस, अब सीरियस हो रहा है, अब आप भी सीरियस हो जाओ, पूरा ऊपर तक लेके जाइए आगे। कई बार तो वो बेचारे उसके हाथ से भी खून निकलने लग जाता था, वो जो पाइप पकड़ता है, फिर हम बैंडेज लगाते थे, पट्टी करते थे, चाहे कितना भी खून निकल रहा उसके हाथ से, पर हम रुकते नहीं थे, 4 घंटे जो है उसको थ्रो कराते ही कराते थे। चलिए ले मानिए, जब ये ट्रेनिंग कर रहा था तो ये ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब पहुंच चुका था, 2-4 सेंटीमीटर ऊपर नीचे था। इंडियन पैरा शॉटपुट के उभरते खिलाड़ी पुणे नेशनल्स में गोल्ड जीतने के बाद इंडिया ओपन बेंगलुरु और आने वाले दुबई 2022 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स के लिए भी एक मजबूत दावेदार बन चुके हैं। मैं समर्थ बाय हुंडई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने मेरी स्पोर्ट्स जर्नी में मेरा इतनी हेल्प करी है, एंड आई फील विद दिस हेल्प आई कैन मेक माई इंडिया प्राउड। समर्थ बाय हुंडई जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी हम जैसे बडिंग एथलीट्स जो हैं उन्हें काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि हम क्या होता है कि एक स्टेज के बाद हमें अपना लेवल अप करना होता है गेम का,
तो जब वो गेम को लेवल अप करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, जिसकी वजह से हमें वो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं एथलीट्स को और हम अपना गोल अचीव कर पाते हैं। सबसे पहले कोच, जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो तो जब आप फर्स्ट डे होता है तो आप थोड़ी ट्रेनिंग करते हो दो तीन, और फिर कोच साहब पूछते हैं कि भाई पासपोर्ट बनवा दे रहा? मैंने कहा नहीं बनवा मेरा, तो कह रहे बनवा ले चल अब तू। द ग्रैंड प्री 2022 इज ऑल सेट टू बिगिन इन दुबई। दिस इवेंट विल बी इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया शॉटपुट पैरा एथलीट अभिषेक चामोली, एज दिस वुड बी हिज अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर एन ऑफिशियल कैटेगरी अंडर द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स क्लासिफिकेशन रूल्स। उन्होंने मेरी चेयर लगवाई, मेरे से थ्रो करवाई, मैंने थ्रो करी अपना, मैं उतरा और जो कहते कि हमने कंसिडर करा है आपको F54 देने की, F54 एथलीट। हमने तो यही सोचा था इसको 53 कैटेगरी मिलेगी, और 53 कैटेगरी में ओलंपिक में शॉटपुट होता है। 2020 से मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और 2022 में मेरे को पता लगता है भाई आप तो F53 नहीं हो, आप F54 हो, और आप अब F54 के लिए, F54 में शॉटपुट भी खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो एशियन गेम्स तक ही खेल सकते हो। अगर आपको ओलंपिक खेलना तो यू हैव टू ऑप्ट फॉर जैवलिन। मैंने अपना पूरा वाइट बोर्ड था मेरे पास, मैंने सब इरेज करा अपना, जो भी मैं वो करता था उसमें ट्रेनिंग का लिखता था, मेरी क्या ट्रेनिंग है, कैसे मेरे गोल्स हैं, वो सब इरेज करके मैंने फिर अपना एक नया बनाया जैवलिन, और उसको डॉट डाल के अपना उसके नीचे से फिर मैंने सारी अपनी नेक्स्ट न्यू जर्नी, जिसको कहते हैं न्यू जर्नी विद सम ओल्ड थिंग्स इन इट, वो स्टार्ट करी, और फिर उसके बाद से मैं आई स्टार्टेड प्लेइंग जैवलिन। बट जब आई स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर जैवलिन कुछ नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं समझ आया मेरे को वहाँ पर, कुछ सर करवाते थे मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं थोड़ा डिनाइल में चले गया था। शॉटपुट से जैवलिन में लाने में सब लोगों ने बोल दिया था कि अभिषेक जो है नहीं कर सकता जैवलिन, और कोचेस ने भी बोला था कि अभिषेक नहीं कर सकता जैवलिन, क्योंकि पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने बोला नहीं अभिषेक करेगा। मैं जब जैवलिन फेंकता था अभी टिप ऊपर हो जाती थी, जैवलिन ऐसे चढ़ रहा था रॉकेट की तरह ऊपर, अजीब सा अटपटा सा गिरता था वो नीचे। इसके लिए टफ था, इसका क्या टफ था कि जैवलिन में फिटनेस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि पावर पावर से आप जैवलिन कर लोगे। मेन उसमें हमारा जर्क, मोबिलिटी और रोटेशन, और यही है, जिसकी अच्छी रोटेशन है, जर्क है जो पीछे लेके पूरा फेंक देगा उसका अच्छा है। अभिषेक के केस में क्या है कि इसकी हाइट बहुत अच्छी है, 6'1" है, इसका बॉडी वेट भी प्रॉपर सही है, 90 kg के करीब है इसका बॉडी वेट, है ना। तो अब क्या है, अब आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्निक, ये सारा कुछ, और अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आपको टेक्निक करने में उतनी ही आसानी हो जाएगी। उसको जितने घंटे हमने प्रैक्टिस कराया उसने उतने घंटे प्रैक्टिस किया भी है, उसको बोला कि घर पे जाके इतने घंटे करना है उसने घर जाके उतने घंटे प्रैक्टिस किया, उसको बोला स्टेडियम में इतने घंटे करना है उसने उतने घंटे किया। तो इसका भी यही केस था कि ये शुरू में ही 17-18-19-20 मीटर फेंकने लग गया था लकड़ी के जैवलिन से भी, पर ये चैलेंज तो था ही हमारे लिए कि भाई एक साल में 2 कंपटीशन आ रहे हैं, बड़े कंपटीशन, और उसको तैयार करना है। और उसने करके भी दिखाया, उसने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इन इटली आई वॉन माई फर्स्ट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल इन जैवलिन, उसके बाद मैं इंडिया आया था, आई गॉट टू नो अगर इंडिया के लिए टॉप 4 में आते हो तो आपको यू आर क्वालिफाइड फॉर एशियन गेम। आज सभी की नजरें इंडियन स्क्वाड पे है, और उनमें से एक है दिल्ली के जनकपुरी से अभिषेक चामोली, जो जैवलिन F54 कैटेगरी में इंडिया को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। There's no doubt that expectations are high. Chamoli has already proven himself as one of India's finest para-athletes. But the Asian Games stage is where legends are made. The pressure is definitely on. और हम लाइन में आ गए, फिर सारे स्टेडियम में जा रहे हैं, स्टेडियम में शोर है,
स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं, ऑडियंस बैठी हुई है, सब ऐसे क्लैप कर रहे हैं, और वो अलग ही एक्सपीरियंस था एकदम कि एकदम ये कहाँ एकदम ग्रैंड था, बहुत ग्रैंड थी वो फीलिंग। और एक तो और ऊपर से इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो फीलिंग तो मैच ही नहीं हो सकती है मेरे को लगता है। जिस दिन कॉम्पिटिशन था मैं गया था अंदर, इसके साथ मैंने शिफ्ट वगैरह कराया, हमें उम्मीद थी कि मेडल आना है, कलर कोई भी मेडल आएगा। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि मैं एशिया में रैंकिंग वन पे था और ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मेरे को लग रहा था कि दिस टाइम गोल्ड मेडल इज माइन। मैं अंदर गया हूँ, मेरा कॉम्पिटिशन चल रहा है और मैंने थ्रो करी है, मैं अंडर परफॉर्म्ड, बट मेरे को बोल दिया कि आपको मेडल आ चुका है, आपको मेडल सेरेमनी के लिए ले जाएंगे। न्यूज़ में भी आ गया, अवार्ड मतलब डिक्लेयर हो गया इसका। उस टाइम स्कूल में थी, उस टाइम जिस टाइम ये न्यूज़ मेरे पास आई, ट्विटर भी हुआ था सब, तो मेरे लिए तो वो मोमेंट बहुत खुशी का था। तो मैं इतनी खुश थी कि मैं मतलब अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, आई वॉज थर्ड। हम जाने लगे मेडल सेरेमनी के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने मेरे को रोक लिया, कहते आप डिस्क्वालीफाई होते हो। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग फ्रॉम हांगसू, अभिषेक चमोली, who was announced bronze medalist at F54 javelin event earlier today, is now disqualified over a technical issue with his throwing chair. We are hearing that his chair's pole was not rigid enough and there seems to be some flex issue with it. मैंने कहा आपने तो अप्रूव करी थी चेयर पहले, आपने चेक करके पूरा अप्रूव करा है, आप कह रहे हो फ्लेक्स आ रहा है, एक थ्रो भी नहीं वो हुआ सिलेक्ट। करे चाइनीज अथॉरिटीज ने बोला है कि नहीं, सारी थ्रो कैंसिल करो उसकी। Indian para athletes have been doing phenomenal in the Asian Games 2023 with the highest medal tally ever. Abhishek's medal would have been the 82nd, making a new record, but he will have to wait a little longer for his para Asiad glory. An unfortunate day for all. Ekdam hi numb ho gaya tha main. He actually told me that he felt worse than the time of his accident. Mera man nahi hai ab khelne ka, main nahi khel paunga, mujhe nahi lagta main javelin pakad paunga ab. मैं रात तक सो नहीं पाता था, जैसे रात में ना बीच में उठ जाता था, मैं मेडल नहीं जीता। कुछ मेरे प्लान्स थे गेम अप करने के लिए, वो मेरे प्लान्स थे, वो कैसे करूँगा। सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए ये था कि यार इसको कैसे इससे निकाला जाए। उसके बाद मैं ट्रेनिंग पे जाता था, बट मेरे को आई वॉज समवेयर एल्स ओनली, मेरी शक्ल पर दिख जाता था कि भाई इज नॉट इन द ग्राउंड में नहीं है ये बंदा, ये कर तो रहा है हर चीज़ पर ये ग्राउंड में नहीं है। फिर एक दिन मैं नेशनल्स खेलने गया गोवा में, वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। मेडल तो था बट आई वॉज नॉट हैप्पी कि, और फिर मेरे को वहाँ पर पता लगा कि इट्स हाई टाइम, अब फिर से यू नीड टू बकल अप कि बहुत हो गया ये चीज़, आप इतनी लंबे खींचोगे तो भाई क्या करोगे। ज़्यादा होल्ड मत किया कर, फटाफट मारा कल, सोच 1 2 3। जैसे बॉर्डर पे सेना लड़ती है ना, हमारा भी सारा शेड्यूल वैसे ही है। ओलंपिक्स के लिए देखो, अब हमने उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया है, उसकी ट्रेनिंग और हार्ड कर दी है, लेकिन वही कहते हैं ना, जो गोल उसने देख रखा है ओलंपिक्स का, उसके लिए तो जितनी मेहनत करो उतना कम है। अब कंपटीशन टफ है और नज़दीक है, तुम्हारी प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई है, लेकिन आज के अभिषेक में वो भूख मैं देख रहा हूँ कि उसे मेडल चाहिए, उसके लिए वो अपना 100 से भी ऊपर दे रहा है, अपना जितना हो सकता है वो उतना कंट्रीब्यूट कर रहा है। वर्कआउट जो चल रहा है उसका शेड्यूल काफ़ी अच्छा है, रेगुलर है, और इस बार पक्का श्योर है कि वो ओलंपिक में क्वालिफाई भी करेगा और इंडिया के लिए मेडल भी लाएगा। Passion and the hard work. मेहनत और लगन, डिसिप्लिन और डेडिकेशन, चैंपियन बनने की भूख है, उसकी जिद, हार्ड वर्क। एट द एज ऑफ 6 years आई लॉस्ट माई डैड, एक सिंगल मदर ने मुझे रेस करा, एंड व्हेन आई गॉट इनटू द कॉलेज, और जब मुझे लगा मैं अपने पंख फिरा के मैं अपनी उड़ान भर सकता हूँ, तो मैं बिस्तरे पे था। तो मुझे लगता है कि अगर ये अप्स एंड डाउन्स नहीं होते तो आज मैं आप लोगों के सामने नहीं होता, और जो सपना मैंने आपको फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया था ना, वो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। Samarth by Hyundai is an initiative that seeks to promote inclusivity, change perceptions, and enhance the quality of life for people with disabilities.
Samarth is a simple word that means capable. It is a step towards creating a more aware and inclusive society towards people with disabilities in India. With technology, partnerships, product innovations and storytelling, Samarth by Hyundai is about turning the world into a level playing field for all. Because disabilities that some of us have to live with should not define how we live or what we can or cannot achieve.